Realme 2 28 अगस्त को इंडिया में लॉन्च होने वाला है और इस स्मार्टफोन के बारे में बहुत सारे हाइप क्रिएट हो रहे हैं कि इसमें आपको ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, वो भी 10,000 के अंदर। लेकिन अभी जो यहाँ पर न्यूज निकल कर आया है Realme 2 के बारे में, आप इसे सुनकर जरूर नाखुश हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं आपको इसमें क्या क्या मिलेगा और इसका प्राइस कितना होने वाला है। हे नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिनव, आप देख रहे हैं यहां एवरीथिंग। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को इनेबल कर दीजिएगा ताकि आने वाले किसी वीडियो को आप मिस ना करें। दोस्तों आप जानते हैं कि Realme 1 जब लॉन्च हुआ था तो 9000 के रेंज में आपको हीलियो का P60 मिल रहा था जो कि स्नैपड्रैगन 660 के बराबर है। जी हाँ, अब यहाँ पर हम लोग उम्मीद बना के बैठे थे कि Realme 2 में कुछ ना कुछ खास मिलने वाला है। यहाँ पर Realme बार बार कुछ ना कुछ टीज कर रहा था अपने फेसबुक पेज पर कि आपको जो यहाँ पर कमी Realme 1 में मिला था वो कमी आपको Realme 2 में देखने को ना मिले। लेकिन जो लीक निकल कर आया है अभी अभी खास, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ जो लीक्स में बताया जा रहा है उसे आप सुनकर नाखुश होंगे। जो आप जानते हैं कि Realme 2 में आपको यहाँ पर 6.2 इंच का डिस्प्ले मिलेगा, नॉच डिस्प्ले वाला। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो डिस्प्ले होगा 720p वाला? जी हाँ, HD प्लस डिस्प्ले होगा, फुल HD प्लस डिस्प्ले नहीं दिया जाएगा। आप जानते हैं कि पीछे की साइड में आपको सिंगल कैमरा मिलता था Realme 1 में, अब यहां पर Realme 2 में आपको डुअल कैमरा का सेटअप मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों ये डुअल कैमरा का सेटअप जो दिया गया है 13+2 मेगापिक्सल का, 2 मेगापिक्सल का कैमरा जो है कुछ खास नहीं है, सिर्फ यहाँ पर डेप्थ सेंसिंग के लिए दिया गया है। वैसे तो सिंगल कैमरे से भी आजकल डेप्थ सेंसिंग हो जाता है, बुके मोड आपको मिल जाता है, पोर्ट्रेट मोड आपको मिल जाता है, तो कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पर डुअल कैमरा का। लेकिन दोस्तों यहाँ पर खास करके पीछे साइड में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है Realme 2 में, जो कि थोड़ा सा मुझे अच्छा लगा, Realme 1 में नहीं था। अब दोस्तों बता दो कि बैटरी आपको काफ़ी अच्छा यहाँ पर मिलेगा Realme 2 में। इस बार आपको मिलेगा 4230 mAh का बैटरी। जी हाँ, आपको पिछले वर्जन के मुकाबले में ज़्यादा बैटरी मिल जाता है। लेकिन इसमें आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट नहीं मिलेगा, ना ही आपको फास्ट चार्जर मिलेगा। वो क्यों? क्योंकि आपको इस बार इसमें मिलेगा स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर। और बहुत सारे लोग उम्मीद बनाकर बैठे थे कि Realme कुछ अजीब और कुछ कमाल करने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। इस बार आपको मिलेगा, लीक्स के मुताबिक आपको इसमें मिलेगा स्नैपड्रैगन का 450, जो कि अच्छा प्रोसेसर माना जाता है लेकिन काफी पुराना हो चुका है। तो यहाँ पर इस प्रोसेसर के साथ लॉन्च करेगा Realme 2 स्नैपड्रैगन 450 के साथ। इसमें आपको 3GB रैम और 32GB इंटरनल मेमोरी और यहाँ पर 4GB रैम 64GB इंटरनल मेमोरी के साथ 2 वेरिएंट लॉन्च किया जाएगा। और Realme ने खुद यहाँ पर कंफर्म कर दिया है कि इसका प्राइस 10,000 के अंदर है। तो क्या यहाँ पर आपको खास मिल रहा है? आपको स्नैपड्रैगन का 450 मिल रहा है, HD प्लस डिस्प्ले मिल रहा है, सिर्फ यहाँ पर नॉच को ऐड कर दिया है और कैमरा यहाँ पर डुअल दिया गया है, खास करके नाम का कैमरा आपको यहाँ पर डुअल मिलता है। तो इसका प्राइस 10,000 होना ही था। तो यहाँ पर कुछ भी खास नहीं होने वाला है Realme 2 के साथ। अब मैंने आपको जो भी बताया ये लीक्स के मुताबिक बताया है, यहाँ पर जो लीक अभी अभी निकल कर आया है Realme 2 के बारे में, अब देखते हैं 28 अगस्त को यहाँ पर लॉन्च हो रहा है। और मैं आपको बता दूं कि Realme 2 जो है सैमसंग यहाँ पर ओप्पो A5 जैसा ही है, सिर्फ यहाँ पर ब्रांड को नाम को चेंज कर दिया गया है। और मैं आपको बता दूं कि ना तो इसमें कोई स्टॉक एंड्रॉयड मिलेगा, ना ही कोई नया UI मिलेगा। इसमें आपको फिर से मिलेगा ओप्पो वाला ही कलर OS 5.1 एंड्रॉयड 8.1 के साथ। जी हाँ, लेकिन दोस्तों देखते हैं अगर Realme कुछ कमाल कर पाता है तो हो सकता है यहाँ पर स्नैपड्रैगन का 636 इस फोन में दे दे। आपको क्या लगता है कुछ आप यहाँ पर बताइए, जिसका भी यहाँ पर सही होता है मैं उसका यहाँ पर कमेंट अगले वीडियो में पिन करूंगा। तो आप नीचे बता सकते हैं कि कौन सा प्रोसेसर इसमें आ सकता है। मुझे उम्मीद है आपको मेरे द्वारा दिया गया ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।